हाँ जी दोस्तों, सत श्रीकाल। वेलकम टू लहरा इंस्टीट्यूट। लहरा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से ता सब का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों लैके आए थोड़े वास्ते फर्स्ट रिकॉर्डड वीडियो। पहला अपनी जो भी वीडियोज़ आ रही प्रेजेंटेशन के संबंधित सी, ते हुणा थोड़े वास्ते रिकॉर्डड वीडियोज़ ने। साडियां सारियां ही स्टडी के रिलेटड रिकॉर्डड वीडियोज़ देखने लिए साडा चैनल है जिहड़ा लहरा इंस्टीट्यूट के नाम से, इहनू सबसक्राइब करो। ठीक है दोस्तों, नाल ही कमेंट कराया करो, वीडियो के नीचे शेयर कराया करो, वध तो वध अपने दोस्तों मित्रों के नाल शेयर करोगे तो कि सब तक जिहड़ी इनफॉर्मेशन है पहुँच सके। ठीक है दोस्तों, सो चलो आप स्टार्ट करते हैं। जिहड़ा अपना अज का टॉपिक है रीजनिंग के रिलेटड गल करांगे। रीजनिंग का टॉपिक है अपना सीरीज, इत्थे करदे स्टार्ट। दोस्तों गल करते हैं सीरीज की। सीरीज़ अपने को तीन तरह की होंगी है, और सीरीज़ के जोड़े सवाल ने हर तरह के पेपर के, चाहे तुम बैंकिंग पीओ का पेपर दे रहे हो, चाहे एस एस सी का दे रहे हो, चाहे पंजाब के किसी भी डिपार्टमेंट का पेपर दे रहे हो, तो वह सवाल जोड़े सीरीज़ के पूछे जाते हैं। और रीजनिंग का यह सबजैक्ट, रीजनिंग सबजैक्ट है, तो वह ही यह एक टॉपिक है। ये तीन तरह की सीरीज़ आदि है। जो आप गल करिए एक तो होंगी अपने को नंबर सीरीज़ कह दें, एक होंगी अपने को अल्फाबैट सीरीज़ होंगी है, अल्फाबैट जिन्हों ए बी सी कह दें, एक होंगी अपने को मिक्स सीरीज। ठीक है दोस्तों, तीन तरह की सीरीज होंगी है। ये सीरीज़ के ही सवाल जोड़े ताे पूछे जाते हैं। तो आप गल करते हैं नंबर सीरीज़ कि आऊगी। नंबर सीरीज़ तू आ सकती है कुछ भी, जिम्मे तुम कहता एक चार नौ सोलह पच्ची, अगे तुम कहता जी दसो इतने की आएगा, यह की है नंबर सीरीज़ है। तो इन सॉल्व करना तुम्हें देखना इनू किमें सॉल्व करना। ठीक है जी, इनू सॉल्व करने वास्ते मैं करूँगा एक का स्केयर है जी, एक ही है ये दो का स्केयर है जी, एक ही है ये तीन का स्केयर है जी, एक ही है ये चार का स्केयर है जी, एक ही है ये पांच का स्केयर है जी। तो अगे की आएगा, अगे आएगा छे का स्केयर, मतलब कि छत्ती। ठीक है जी, इस तरह ही अल्फाबैट की गल करिए। अल्फाबैट की सीरीज, अल्फाबैट की भी सीरीज कितों ही पा सकता है। फॉर एग्जाम्पल इन्हें पा दिता ए सी ई जी, अगे दसो जी कहना की आएगा। तो आप की करांगे जी, सब तो पहले अपन याद होना चाहिए कि केड़ा अपने को अल्फाबैट किन्ने नंबर दे आ रहा है। हुण मैनूं याद है जी, ए एक ते आउंदा, सी तीन ते आउंदा, ई पंज ते, और जी साडे कोले सत्त ते आउंदा। तां इहदा मतलब की हो रहा, सारे ही ऑड नंबर चल रहे नेगे, मतलब कि एक तीन पंज और सत्त, सत्त बाद की आएगा नौ आएगा। नौ ते साडे कोल की आउंदा दोस्तों, नौ ते आउंदा साडे कोले आई। ए होंदे आ साडे कोले अल्फाबैट सीरीज। जे आप गल करिए मिक्स सीरीज की, मिक्स सीरीज के इन दोनों के नाल रिलेट करके सवाल पा देंगे। सो आप गल करते हैं जो नंबर सीरीज़ अल्फाबैट सीरीज की, ये विषय के संबंधित ही आप अज की वीडियो जी लैके आए थोड़े वास्ते। चलो दोस्तों थोड़े वास्ते कुछ आप क्वेश्चन इतने लिख दें। ठीक है जी, हाँ जी दोस्तों, इन्हें थोड़े वास्ते मैं कुछ क्वेश्चन लिखे है। चलो आप इन्होंने सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, हो सके तो वीडियो को पॉज करके तुम सॉल्व करने की कोशिश करो। तो दोस्तों ये की किया हो, एक बार रखे नौ पच्ची उणंजा, और इतने तेरे तो पूछा गया दसो जी कहना की आएगा, और एक सौ इक्की की तुम समझ आ रहा है। मैनू तो थोड़ा थोड़ा ना सवाल दिख रहा है कि यह सारे स्क्वेयर्स ने, की स्केयर हो सकते हैं। ये मेरे को है जी एक का स्केयर, मतलब कि एक नू एक ना मल्टीप्लाई किया एक ही आऊगा। इतने मेरे को है तीन का स्केयर, तीयो तीयो नौ होंगे। उस तो बाद है मेरे को पांच का स्केयर, उस तो बाद है मेरे को सत्त का स्केयर। अगे जी की आ सकता है, क्योंकि इतने अपने को ग्यारह ग्यारह एक सौ इक्की होंगे, इतने की बन गया एक तीन पांच सत्त, इतने की आऊगा दोस्तों, इतने आऊगा साढ़े को नौ, यह मतलब इतने आऊगा नौ का स्केयर। तो यह आ गया साढ़े को ग्यारह का स्केयर, तो नौ का स्केयर का मतलब की हो गया अपने को 81। ठीक है दोस्तों, की आंसर आ गया साढ़े को 81। बिल्कुल ही ईजी सवाल आने पेपर के, इन्ने सौखे सवाल, और तुम इतने समझोगे ना वीडियो तुम पता लग जाएगा, और ना ही तुहाडा नंबर कटेगा। तो असीं तुहाडे तों इह चीज़ की उम्मीद करांगे, और उम्मीद के नाल नाल जे मैं कह तुहानूं इह चीज़ आपदे आप यकीन हो जाएगा कि तुसीं 25 दे 25 नंबर इहदे विचों लै सकदे हो। ठीक है, आराम नाल लओगे जे तुसीं साडे सारी वीडियोज़ देखते रहोगे रैगूलर। चलो दोस्तों अगला सवाल देखते हैं, यह सीगा साडा आंसर पहले सवाल का। अगला सवाल चैक कर लो एक बार, यह की कहना है, छे आ गया, ग्यारह इक्की छत्ती छपंजा, इतने दसो जी कहना की आएगा। वीडियो में पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करो। चलो चेक कर दें, छे तो बाद ग्यारह पाया जी, फिर इक्की पाया, फिर छत्ती पाया, फिर छपंजा पाया, अगे दसना जी। मैं की करूँगा इतने गैप चेक कर लो। सब तो पहली गल, ये जो कोई भी सीरीज वाला सवाल आ जाए वो की करना, सब तो
फर्स्ट अटैम्प्ट दे विच तुसी गैप चैक करोगे, अगर गैप दे नाल नहीं क्लीयर हो रहा तो तुसी की करोगे स्क्वेयर्स देखोगे, अगर स्क्वेयर्स दे नाल नहीं हो रहा तो क्यूब्स देखोगे, अगर क्यूब्स दे नाल नहीं हो रहा तो की करोगे तुसी प्राइम नंबर चैक करोगे। प्राइम नंबर कहड़े हुंदे ने जिहड़े किसे ते नहीं वंडे जांदे। ठीक है दोस्तों, एक तो लैके सौ तक किन्ने प्राइम नंबर होंगे ये तुहाडे वास्ते क्वेश्चन है, तुसी कमेंट सैक्शन दे विच इहदा उत्तर देना, एक तो लैके सौ तक किन्ने तुहाडे प्राइम नंबर होंगे है। चलो दोस्तों सवाल की गल करते हैं, छे तो लैके ग्यारह तक किन्ने का गैप है जी पांच का, और ग्यारह तो लैके इक्की तक किन्ने का गैप है जी दस का, और इत्थे जी अपने कोल इक्की ते छत्ती दे विच गैप है पंद्रह का, अगे मेरे को छत्ती दस छियाली दस छपंजा है, मतलब इतने भी का गैप है, तो अगे किन्ने का गैप आऊगा क्योंकि इतने पांच का गैप है, पांच तो बाद दस का गैप है, फिर पंद्रह फिर भी अगे की आऊगा दोस्तों अगे आऊगा साढ़े को पच्ची, तो यह मतलब इतने किन्ने का गैप हो गया पच्ची का गैप हो, की करो छपंजा के पच्ची प्लस करता अपने कि आ गया साढ़े को 81, तो साड़ा आंसर की आ गया दोस्तों इतने भी 81। ठीक है दोस्तों क्लीयर है, चलो अगला सवाल देखते हैं, चेक करते हैं अगला सवाल की कहता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों तुहानू समझ आई जाता होगा, नाल नाल नोट करी चलिया करो, अपनी कॉपी चक के बैठा करो जो भी साडे तुसी वीडियो देख रहे होंगे हो। अगला सवाल साडे कोल हैगा जी 10, 18, 28, 40, 54, 70। लो दोस्तों करो नोट 10, 18, 28, 40, 54 और 70। इस तो बाद दसो जी कहना की आएगा, लो जी चैक करो। सब तो पहला की करना है अपने, सब तो पहला गैप चैक करना है, गैप देखो जी इतने किन्ने का गैप बनता है, इतने अपना बनता जी 8 का गैप, इतने किन्ने का बन रहा है, इतने बन रहा साडा 10 का गैप, अगे 28 ते 40 के किन्ने का गैप बन रहा दोस्तों 12 का, और 40 ते 54 के किन्ने का गैप बन रहा 14 का, अगे 54 ते 70 के किन्ने का गैप बन रहा 16 का, यदा मतलब जी अगे किन्ने का गैप बन सकता, चैक करो 8 तो बाद 10, 10 तो बाद 12, 12 तो 2, 14, 14 तो 2, 16, 16 तो 2, 18, क्योंकि सारे दो दो प्लस हो रहा है, तो उरे किन्ने का गैप बनूगा 18 का, तो तुम देख लो 70 ते 18 प्लस कर दोगे कि आंसर आ जाएगा ताड़ा 88। ठीक है दोस्तों कि आंसर आ जाएगा साडा, यह है साडा उत्तर, कि आंसर आ गया 88। पहले ही तरीके सॉल्व हो गया क्योंकि यह साडे कोल फर्स्ट अटैम्प्ट दे विच अपने चैक करना है कि सब तो पहला सीरीज दे विच अपने गैप चैक करना होंदा। ठीक है जी, यह हो गया अपना सवाल, आंसर कि आ गया 88। अगला सवाल देखो एक बार, अगला सवाल है साडे कोल 120, 99, 80, 63 और 48। इस तो बाद दसना जी क्वेश्चन मार्क है कि उस तो बाद की आएगा, लो जी वीडियो नूं पॉज करो और सॉल्व करने की कोशिश करो। 120, 99, 80, 63, 48 अगे चैक करना, चलो जी आप ट्राई करते हैं। 120 ते 99 दे विच सब तो पहला गैप चैक करते हैं, किन्ने का गैप है जी 21 का, उस तो बाद इत्थे गैप चैक करो, इत्थे हैगा जी 19 का गैप, यह घटता जा रहा है, गैप की हो रहा है घटता जा रहा है, इत्थे की हो रहा सी प्लस हुंदा जा रहा सीगा, इत्थे की हो रहा सी प्लस हुंदा जा रहा सी, इत्थे की हो रहा है इत्थे साडे कोले माइनस हुंदा जांदा है, कुछ भी नहीं हैगा तो गैप ही है, चाहे जी माइनस हो रहा चाहे प्लस हो रहा, तुसीं बस चैक करना कि गैप सेम जा रहा, अगर गैप सेम जा रहा तो तुहाडा सवाल है जिहड़ा बिल्कुल सही है और तुहाडा एक नंबर पक्का जी। चलो जी अगे चैक कर दे, इत्थे 19 का गैप है, इत्थे साडे कोले 17 का गैप बन रहा है, 80 दे विचों 63 कढे 17, अगे चैक करो अगे साडे कोल 15 का गैप बन रहा है, 63 दे विचों मैं 48 माइनस कर दूंगा किन्ना आ जाऊगा 15, अगे चैक करो अगे किन्ने दा आऊगा, इत्थे देखो दोस्तों 21 दे विचों फिर 2 माइनस करते, फिर 2 माइनस करते, 21 दे विचों 2 माइनस किते 19, 19 दे विचों 2 माइनस किते 17, 17 दे विचों 2 माइनस किते 15, 15 दे विचों 2 माइनस किते 13, इहदा मतलब इत्थे किन्ने दा गैप बन गया 13 दा गैप बनूगा, 48 दे विचों मैं इत्थे की कर दूंगा दोस्तों 13 नूं माइनस कर दूंगा, तां साडे कोल आंसर किन्ना आ गया 35। ठीक है दोस्तों आंसर किन्ना आ गया साडे कोल 35। बिल्कुल ही ईजी सवाल सीगा, उम्मीद करदा तुहानूं समझ आ गया होगा। अगला सवाल एक बार होर चैक करते हैं, और एक सवाल पाउण तों बाद तुहाडे वास्ते मैं 3 सवाल पाऊंगा और जिहदा तुसीं जवाब है कमेंट सैक्शन दे विच दोगे। ठीक है दोस्तों कमेंट सैक्शन दे विच जवाब देना ना भुल्लिया करो। अगला सवाल एक होर आपां सॉल्व करके देखदे हां की कहिंदा जी, अगला सवाल साडा हैगा जी 125, 80, 45 और 20 और अगे क्वेश्चन मार्क। दोस्तों इस सवाल है इहनूं सब तो पहला की करांगे आपां, सब तो पहला करांगे दा जी गैप चैक, इत्थे गैप किन्ने दा बन रहा, इत्थे साडे कोल गैप बन रहा 45 दा, और अगे चैक करदे हां अगे साडे कोल गैप किन्ने दा बन रहा, अगे साडे कोल बन रहा जी मे बी 35 दा,
ठीक है जी, कितने गैप बन रहे हैं 35 का। अगे चेक करो अगे साढ़े को गैप कितने बन रहे हैं 25 का। यदा मतलब जी अगे साढ़े को गैप कितने का बनूगा, इतने की है घटते क्रम च जा रहा है माइनस 10 कि हो रहा माइनस 10 45 का, फिर 35 का और फिर 25 का, उस तो बाद कितने का होगा, उस तो बाद साढ़े को आऊगा जी 15 का। ठीक है जी, क्योंकि माइनस 10 घटते क्रम के जा रहा है, पहला 45 का गैप सी फिर साढ़े को 35 का गैप है और फिर साढ़े को 25 का गैप है और फिर साढ़े को 15 का गैप है। तो आप चेक करते हैं 20 के 15 माइनस किया कि आंसर आ गया दोस्तों 5, तो साढ़े को आंसर की आ गया 5 आ गया। उम्मीद करता दोस्तों समझ आ गया होगा। अगर इस तो बाद ऑप्शन आ जाती कि 5 तो बाद दसो जी की आएगा इतने, तो की करते कुछ भी नहीं करना सीगा। इस तो बाद आप और की करते, सारे दे विच माइनस माइनस 10 हो रहा है, 45 35 25 15, उस तो बाद कितना माइनस होंदा 5 माइनस होंदा, तो 5 दे विच 5 माइनस कर दे कितना आंसर आ जांदा 0। सिंपल, ठीक है दोस्तों, बिल्कुल ही ईजी सवाल ने। और ये तो सके अपने कोई वास्ते मैं सॉल्व किए सवाल, और मैं 2-3 सवाल जोड़े है वास्ते पा के चलूंगा और तुसी कमेंट सैक्शन के आंसर दो। अगर वीडियो बढ़िया लग रही दोस्तों अपने चैनल में सबसक्राइब कर दो और वीडियो वो तो शेयर करो जी। लो जी दोस्तों तुहाडे वास्ते सवाल है, फस्ट क्वेश्चन 2, 15, 41, 41, 80, उस तो बाद क्वेश्चन मार्क, ये सवाल तुसी सॉल्व करना। अगला सवाल हैगा जी अपने कोले 125, 259, 204, 160, 127, 105, 105, उस तो बाद इतने 105 तो बाद मार्क है जी, इतने तुसी दसना की आएगा। अगला सवाल थोड़े वास्ते हैगा जी 1, 2, 6, 7, 21, 22, 66, 67, 67, 67, उस तो बाद जी क्वेश्चन मार्क, ये सवाल जिहड़ा हैगा तुसी सॉल्व करने। ठीक है दोस्तों, ये तो सीगे तुहाडे वास्ते आपां नंबर सीरीज दे सवाल, ते हुण तुहाडे वास्ते आपां करवा रहे हैं तुहानूं अल्फाबैट सीरीज दे सवाल। उम्मीद करदा इह तुहानूं समझ आ गए होणगे, अल्फाबैट सीरीज आपां स्टार्ट करन लगे उस तो बाद। चलो दोस्तों अल्फाबैट सीरीज दे सवाल करदे आपां, फर्स्ट क्वेश्चन है तुहाडे वास्ते अल्फाबैट सीरीज दा, पॉज करके सॉल्व करन दी कोशिश करया करो। पहला सवाल WUSQ और उस तो बाद आपां ने दसना जी की आएगा। दोस्तों मैं तुहानूं दस दिंदा जी, इस सवाल करने वास्ते तुहानूं पता होना चाहिए कि किहड़ा अल्फाबैट किन्ने नंबर ते आउंदा गा। मैनूं पता होना चाहिए कि ए तो लैके जैड तक सारे दे सारे लैटर किन्ने नंबर ते आउंदा, किहड़ा अक्षर किन्ने नंबर ते आउंदा। फॉर एग्जाम्पल मैनूं पता जी आर है जिहड़ी 18 ते आउंदी है, पी है जी जिहड़ी 16 ते आउंदी है, और ए है जिहड़ी 1 ते आउंदी है, और बी है जिहड़ी 2 ते आउंदी है, जैड है जिहड़ी 26 ते आउंदी है, जां मेरे कोल एक्स है जिहड़ी 24 ते आउंदी है, जां मेरे कोल टी है जी 20 ते आउंदी है। अगर तुसी ये चीज़ सीखनी है तो अपनी फर्स्ट वीडियो अल्फाबैट की रीजनिंग की इस चैनल के उत्ते पई है, उतों जाके तुसी देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलो आप इधर देखते हैं सवाल की कहना गा। पहला सब तो पहला जी लगाने आप किन्ने किन्ने नंबर से स्टैंड करते हैं, सब तो पहले डबलू देखो, डबलू साढ़े को आता जी 23 नंबर से, यू साढ़े को आता जी 21 नंबर से, एस साढ़े को आता 19 नंबर से, और क्यू साढ़े को आता 17 नंबर से। लो जी ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਬਣ ਗਈ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਨੰਬਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ। ਨੰਬਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੈਪ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਜੀ 2 ਦਾ, ਇੱਥੇ ਗੈਪ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਜੀ 2 ਦਾ, ਇੱਥੇ ਗੈਪ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਜੀ 2 ਦਾ। ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ 2-2 ਦਾ ਗੈਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਦਾ ਹੀ ਗੈਪ ਆਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਏਗਾ 23, 21, 19, 17, 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ 2 ਕੱਢੇ 15, 15 ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਅਲਫਾਬੈਟ ਆਉਂਦਾ ਦੋਸਤੋ 15 ਦੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ, ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਊਗੀ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ। ਚਲੋ ਜੀ ਯੂ ਓ ਆਈ ਡੈਸ਼ ਔਰ ਏ, ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਕੋਡਿੰਗ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਗੈਪ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਲਓ ਜੀ ਯੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਹੈ, ਯੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਜੀ 21 ਤੇ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ 15 ਤੇ, ਆਈ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 9 ਤੇ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਦੇਖਣਾ ਜੀ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਔਰ ਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਜੀ 1 ਤੇ। ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਜੀ, ਗੈਪ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਲਓ ਜੀ 15 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ 21 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਕੱਢੇ 6 ਆ ਗਿਆ,
और 15 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਕੱਢੇ 6 ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 6 ਕੱਢਦੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਇਹਦੇ 3 ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ 9 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 6 ਮਾਈਨਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ 3 ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ 3 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 6 ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ 6 ਮਾਈਨਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਕ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਔਰ x ਬਣਦਾ, ਪਰ x ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, a ਆ ਰਿਹਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਹੁਣ ਸੈਕਿੰਡ ਟ੍ਰਿਕ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂਗੇ ਕੋਈ ਸਕੇਅਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਵੇ ਅਲਫਾਬੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਓਬਲ ਅੱਖਰ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਯੂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਓਬਲ ਅੱਖਰ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਬਾਓਬਲ ਅੱਖਰ ਹੈ, ਆਈ ਕੀ ਹੈ ਬਾਓਬਲ ਅੱਖਰ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਬਾਓਬਲ ਅੱਖਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੀ ਏ ਬੀ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 26 ਲੈਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਟੋਟਲ, 26 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 21 ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟ, ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੋਸਤੋ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 21, ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਅੱਖਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਾਓਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਜੇ ਪੁੱਛ ਲੈ ਬਾਓਬਲਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਬਾਓਬਲਸ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਏ ਈ ਆਈ ਓ ਔਰ ਯੂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਬਾਓਬਲ ਅੱਖਰ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਾਓਬਲ ਇੱਥੇ ਪਾ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ, ਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਏ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਾਓਬਲ ਬਣ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ SSC CGL ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਊਗੀ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਦੇ सी एफ एच क्वेश्चन मार्क और एम। लो जी, सब तो पहला की करोगे, सब तो पहला लगाना है जी कोडिंग। सी साढ़े को 3 ते, एफ 6 ते, एच 8 ते, और अपने को एम है जी 13 ते आती है। चलो एक बार चेक करते हैं, ये जो बिच विचाले कोई अपने को इस तरह की आ जाए खाली थान, उ कर दें आप एक मन के चल दें, जिमें आप मैथ के पहले करते मन लो मूलतान 100, उस तरह ही आप मन के चलेंगे। चलो जी, इतने गैप किन्ने का, इतने गैप साढ़े को है जी 3 का, इतने गैप किन्ने का 6 से 8 के विचकार गैप है 2 का, यह मतलब जी इतने 3 का गैप है, इतने 2 का गैप है। जे इतने मैं कह जी उरे 3 का उरे 2 का, जे उरे 1 का गैप कह तो अगे किन्ने का गैप बनूगा, अगे 0 का बनना चाहिए, कि उरे 1 का गैप कट के उरे 8 आऊगा, जे उरे 8 का 8 आता, जे आप मैं कह दा जी उरे एच आउंदी है तां अगे 0 कट के फिर अपने कोल 8 आऊगा, पर अगे की आ रहा साडे कोल 13 आ रहा है। यदा मतलब जी ये ट्रिक है जी नहीं चलूगी। इतने आप होर कोई चीज मन के देखते हैं, कि मनी आप इतने देखते हैं 3 का गैप है, इतने 2 का गैप है, कि इतने दोबारा 3 का गैप आ सकता दोस्तों, आ सकता जी, क्योंकि 3 2 3 2 इस तरह भी हो सकता है। लो जी इतने 3 का गैप चैक करते हैं, 3 3 3 6, 6 2 8, 8 3 11, अगे 2 का गैप हैगा 11 2 13, बिल्कुल सही है जी। यदा मतलब जी साढ़े को यह ट्रिक इस तरह है, 3 का गैप फिर 2 का गैप फिर 3 का गैप फिर 2 का गैप, यदा मतलब 11 के साढ़े को लैटर आता जी, 11 से आता साढ़े को के। ठीक है जी, के आते साढ़े को 11 से किंग्स 11 इनू आप कहने, यह साडा सवाल का आंसर। अगला सवाल चेक कर दें एक बार, अगला सवाल जी जैड एक्स बी वी टी सी आर और 2 टाइम ये क्वेश्चन मार्क है, मतलब कि अपने को 2 अल्फाबैट इन्होंने पूछे है जी। चैक कर दें एक बार, जैड साढ़े को कितने आता जी, जैड साढ़े को आता है 26 ते, और एक्स साढ़े को आता जी 24 ते, बी 2 ते आती है, वी साढ़े को 22 ते आती है, टी साढ़े को 20, सी 3 ते, आर 18 ते। लो जी चैक कर लो की कहना जी, ये 26 तो बाद 24 पा दिता, 24 तो बाद 2 पा दिता, कुछ बनता है, नहीं बनता जी। अच्छा जी कुछ होर ट्राई करते हैं, इतने 26 तो बाद 24 पा दिता, फिर इन्होंने एक का गैप पा के इतने फिर 2 माइनस किए हुए हैं, क्योंकि इतने 26 के 2 किए माइनस 24, फिर 2 माइनस किए, एक छड़ के फिर की आ गया अपने को 22 आ गया, फिर 22 के 2 माइनस किए 20 आ गया, फिर एक छड़ दिता, फिर की किया 2 माइनस करके 18 आ गया, फिर वो ही पिया, क्योंकि इतने 2 2 का जोड़ा बनाया हुआ है, 26 24 एक छड़ के 22 20, अगे फिर अपने को छड़ के 18 16 की आजूगा, 18 16, क्योंकि इतने भी गैप किन्ने का आजूगा जी, 2 का गैप आजूगा, जो कि अपने को सारा ही 2 2 का गैप चलिया आता है। यदा मतलब जी साढ़े को पहला अल्फाबैट सॉल्व हो गया, 16 से साढ़े को आता जी, 16 से साडा आता है पी। ठीक है जी, पी साढ़े को 16 से आती है। अगे चैक करते हैं बी साढ़े को किन्ने ते है जी, 2 ते। अच्छा जी फिर 2 छड़ के की आ रहा है जी, सी आ रही है 3 ते, फिर 2 छड़ के की आओ जी, फिर डी आजूगी, क्योंकि 2 3 उस तो बाद क्या गया 4, इतने क्या गया 4 4 ते केड़ा अल्फाबैट आता है डी।
ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता समझ आ गई होगी। इतने इन्होंने डबल डबल का जोड़ा बनाया हुआ है, एक एक छड़ के उस तो बाद फिर उही गल है, इतने जे दो आ रहा है तो इतो दो छड़ जाएंगे तीन आ गया, तीन तो बाद फिर दो अल्फाबैट छड़ के फिर अपने को चार बन गया। इतने बी है, इतने अपने को दो छड़ के सी है, इतो दो छड़ के डी है, जे अगे भी आ जाए अगे भी इस तरह ही सीरीज है जी चलूगी। इतने जेड एक्स फिर इतो की किया जिन्हें चक के इतने फिर दो लैटर पाए थे वी और डी, फिर इतों चक के एक अखर छड़ के आर और पी पा दिते। उम्मीद करता जी समझ आ गया होगा। अगले सवाल वाल बढ़ते हैं आप। अगला सवाल की कहता जी, पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करो। एल एक्स जे वी एच डी, उस तो बाद एफ, उस तो बाद साढ़े को हैगा जी टू टाइम क्वेश्चन मार्क। लो जी वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करने की कोशिश करो जी। लो जी सब तो पहला की करांगे अपन, चेक करांगे जी केड़ा अल्फाबेट किन्ने नंबर ते आउंदा है। एल साढ़े को आउंदा जी 12 ते, एल किन्ने ते आ रहा है जी 12 ते आ रहा है, ठीक है जी। एल किन्ने ते आउंदा 12 ते आ रहा है। एक्स साढ़े को किन्ने ते आउंदी है जी 24 ते आ रही है। जे साढ़े को किन्ने ते आउंदा जी, जे साढ़े को 10 ते आ रहा है। वी 22 ते, एच 8 ते, टी 20, एफ 6 ते। लो जी चेक करदे की कहंदा, इत्थे देखो जी एक एक छड्ड के ने की करया होया, 12 दे विच्चों 2 कड्डे 10, फिर एक छड़ के 10 दे विच्चों 2 कड्डे 8, फिर एक छड़ के 8 दे विच्चों 2 कड्डे 6, फिर एक छड़ के फिर आपां की करांगे जी 6 दे विच्चों 2 कड्डे 4। इहदा मतलब जी इत्थे की आ गया साडे कोल 4 ते किहड़ा अल्फाबैट आउंदा दोस्तों, डी आउंदा है, ठीक है जी। 4 ते किहड़ा अल्फाबैट आउंदा, डी आउंदा है। हुण रह गए जी अपने कोल ए वाला लैटर, इहनूं चैक करदे इक वारी। एक्स साडे कोल 24 ते है, फिर इत्थों एक छड़ के इत्थे 22 आ गया, मतलब की कीता होया जी 2 माइनस कीता होया। फिर इन्हें की किया जी अपने को 2 फिर माइनस किया हो, वी तो बाद इतने टी पा दी, मतलब कि जे वी वाई ते है टी किन्ने ते है 20 ते, 2 माइनस उस तो बाद फिर की आ जूगा जी 2 माइनस करके चलांगे। वी दे विचों 2 कटे 18, 18 दे साढ़े को लैटर आता जी 18 दे साढ़े को आता जी आर, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता समझ आ गई होगी। इतने एक छड़ के पाया हुआ है, एल तो बाद एक छड़ के जे पा दिता, घटते क्रम के जा रहे हैं। इतने इन्हें एक छड़ के फिर एच पा दिता, फिर एक छड़ के एफ पा दिता, फिर एक छड़ के डी पा दिता। इस तरह ही एक्स है, एक्स तो फिर घटते क्रम के फिर वी आ गया, फिर घटते क्रम च टी आ गया, फिर घटते क्रम च आर आ गया, ठीक है जी। उम्मीद करता दोस्तों समझ लग्या होगा।